है जय भीम। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। दर्शकों, मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। इस समय हम महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले का सिंदखेड राजा तहसील का यह है केशव शूनी नामक गांव। यहां से गांव अभी लगभग 2 किलोमीटर के दूरी तक है और अभी कुछ देर में हम वो गांव में पहुंचने वाले हैं। जानेंगे लोग क्या कहते हैं संविधान के बारे में। अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्ध भगवा भगवन्तं अभिवादेमि स्वाकातो भगवता दमो दमं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संगं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि शिखापदं समादियामि अदेन्नदाना वीरमणि शिखापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समादियामि मूसावादा वीरमणि शिखापदं समादियामि शूरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि शिखापदं समादियामि पुष्पौजा वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस श्रीपादसरोरुहे पूजयेमि बुद्धं कुसुमेन नेयं पूयेन पीतेन लभाभिमुखं पुप्पं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभाव गन्धसारपदित्तेन दीपेन तमदंशिना तिलोकदीपं सम्बुद्ध पूजयामि तमनुदं बुद्धधम्म च सङ्ग सुगततनुभव धातु गभे लङ्काय जम्बुदीपे तिरसपुरवरे नागलोके सदूपे सभे बुद्ध स बिम्बे सकल दश दशे केशलो मामि धातु वन्दे सभेऽपि बुद्धं दशबलतनुजा बोधि चेतिया नमामि वन्दामि चेतिया सब सब्बटानेषु पतितितं शारीरिकधातु मा बोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यशमूल्ये निश्चिनौ सब्बारि विजयक पत्तो सवयुतं सत्ता वन्दे तबोधिपादपं इमे ते मा बोधि लोकनाथेन पूजिता अहंपि ते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते
बोधि राजा नमस्तुते इमायदम्मानुदम्म पटिपद्या बुद्धं पूजेमि इमायदम्मानुदम्म पटिपद्या धम्मं पूजेमि इमायदम्मानुदम्म पटिपद्या संघं पूजेमि अद्वायमाय पटिपद्या जाति जरा मरणं मा पै पूयसामि इमिना पूयकम्मेन मामे बाल समागमौ सतं समाग ओतु याव निब्बानपत्या देववत्सत्तु कालेन सस्सम्पतियेतु च पितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको बुद्धवन्दन इति पीसो भगवारं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिषधम्मसारथि सत्ता देवमनुषाणं बुद्धो भगवति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पचुपन्ना च बुद्धं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं गयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन ऊतु मे जय मङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्दे उत्तमं बुद्धेयो कलितो दोषो बुद्धो कमतो तमम् यङ्कयञ्चिरतनलोके विद्यति विदापुतु रतनं बुद्धसमनत्ति तस्मास्तुति भवन्तु ते यो सन्निचिनो वरबोधिमूले मारसचेन मते विजयित्वा सम्बोधिमागच्छन्ति अनन्तयानो लोकोत्तमोतं प्रणामि बुद्धं बुद्धं नमामि धम्मवन्दन स्वाकातो भगवता धम्मो सन्नाडिको अकालिको ये पचिको उपनायको पश्चतं वेदितब्बो विभुन्ति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मातीता च ये च धम्मानागता पचुपन्ना च धम्मां वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं गयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन ऊतु मे जय मङ्गलम् उत्तमाङ्गेन वन्दे धम्मा च द्विविधं वरे धम्मेयो करितो दोषो धम्मो कमतु तमम् यङ्कयञ्चिरतनलोके विद्यति विदापुतु रतनं धम्मशमनत्ति तस्मास्तुति भवन्तु ते अट्टाङ्गिको हरियो पतो जनानं मुखप्रवेशो भुजको मगो धम्मो अयं सन्ति करोपनीतो नियानिको तं प्रणामि धम्म धम्मं नमामि सङ्गवन्द सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो समीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चतारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुषपुङ्गला ये च भगवतो सावकसङ्गो आवुनीयो पावुनीयो दक्कनीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पूयङ्केतं लोकसाति सङ्गं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च सङ्गा अतीता च ये च सङ्गानागता पचुपन्ना च सङ्गं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं गयं सङ्गो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन ऊतु मे जय मङ्गलम् उत्तमाङ्गेन वन्देय सङ्गच्छति विदुतं सङ्गेयो कलितो दोषो सङ्गो कमतु तमम् यङ्कयञ्चिरतनलोके विद्यति विदापुतु रतनं सङ्गसमनत्ति तस्मासुति भवन्तु ते
संगो विशुद्धो वरदकनियो सनिंत्रियो सब मलपयनो गुने नेके समद्धिपतो अनासवेतं पन्नामि संग संगं नमामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। दर्शकों, इस समय हम महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले का सिंदखेड़ राजा तहसील का यह है केशव शिवनी नामक गांव, और इस केशव शिवनी नामक गांव का यह है आनंद बुद्ध विहार। दर्शकों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे कई तादाद में लोग बौद्ध उपासक उपासिकाएं हमारे साथ जुड़ी है और जो बताना चाहती है बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान के बारे में। क्या है भारत का संविधान, क्या मिला इस हमें भारत के संविधान से? अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, इस देश के शोषित पीड़ित और वंचित लोगों के क्या हाल होते? दर्शकों, बाबा साहब ने यह संविधान लिखने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना समय लगा। यह संविधान लिखते समय बाबा साहब को बहुत सारा यहाँ पे कष्ट सहन करना पड़ा, तो भी आज बाबा साहब की बदौलत इस भारत वर्ष में पूरे लोग सुकून से जी रहे हैं। दर्शकों, इस संविधान ने इस भारत वर्ष को हर एक भारतीय नागरिक को फंडामेंटल राइट्स यानी के मूलभूत अधिकार हमें यहाँ पे दिए हैं, और इसी मूलभूत अधिकार के बलबूते पर लोग यहाँ पे जीते हैं शान से और रहते हैं स्वाभिमान से, क्योंकि ये देन है बाबा साहब के संविधान की। दर्शकों, आज इस बुद्ध विहार में इस केशव शिवनी गांव के लोगों के साथ पहले हम शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की, कि जो कार्यक्रम शुरू होता है हमारे बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान का जो पहला पन्ना है, इस संविधान के पहले पन्ने का नाम जिसे हम प्रियाम्बल कहते हैं या प्रस्ताविका कहते हैं, ये उद्देशिका का यहाँ पे पठन होगा और पूरे इस गांव के उपासक उपासिका यहाँ पर संविधान के इस उद्देशिका का पठन करेंगे। तो जानते हैं और कहते हैं, सब लोग पठन करना चाहते हैं बाबा साहब के लिखे हुए संविधान का ये उद्देशिका, ये प्रियाम्बल। मी विजय विठोबा ससाने, शिक्षक, आंबेडकर हाईस्कूल अंबड, तालुका अंबड, जिल्हा जालना। आता मी भारतीय संविधानाचं वाचन करणार आहे, ते प्रास्ताविकेचं वाचन करणार आहे। तरी सर्वांनी माझ्या पाठीमागं वाचन करून सहकार्य करावं। आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वतंत्र दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। दर्शकों, जिस गांव का कारोबार बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान के बलबूते पर अगर चलता है तो वो गांव कहलाएगा आदर्श गांव, वो गांव बनेगा मॉडल विलेज। दर्शकों, इसी प्रकार का ये गांव है केशव शिवनी। जी हाँ, हम अभी मौजूद है आनंद बुद्ध विहार में। बहुत सारे लोग यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं। इस बुद्ध विहार का नाम है नालंदा बुद्ध विहार। जी हाँ दर्शकों, लोग बताना चाहते हैं भारत के संविधान के बारे में, क्या है भारत का संविधान, क्या मिला हमें भारत के संविधान के माध्यम से? अगर बाबा साहब का यह संविधान नहीं होता तो क्या हालत होती हमारी और हमारे समाज की? तो जानते हैं लोगों की राय, क्या कहते हैं लोग। सर, जय भीम। जय भीम सर। क्या नाम है सर आपका? विजय ससाने सर। सर, क्या कहोगे संविधान के बारे में? संविधान के बारे में, संविधान ने हमें जीने का तो हक दिया है। बिल्कुल।
बल्कि हमें उठने बैठने का ताकि शिक्षा लेने का जो महत्वपूर्ण हक दिया है वो हम बाबा साहब के ऋणी है कि जिन्होंने हमें समता स्वतंत्र और बंधुभाव का भाग दिया है। जोरदार तालियां हो जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो चार सूत्र यानी कि बुद्ध के विचारों के आधार पर समता स्वतंत्रता बंधुता और सामाजिक न्याय, ये सामाजिक न्याय की धरोहर संविधान के माध्यम से हमें सौंपी है और इसी को हमें चलाना है, ये संविधान को हमें बचाना है। जानते हैं क्या कहते हैं लोग भारत के संविधान के बारे में? सर जय भीम। क्या नाम है सर? संपत रामभाव ससाने। सर क्या कहना चाहोगे संविधान के बारे में? संविधान बोले तो ये अपने देश की पूरी आत्मा है। क्या बात है? जो दलित लोग है, पिछड़े जाति के जितने लोग है, अलग अलग जाति के, उनके उनके लिए संविधान बोलते एक आत्मा की तरह है। अगर जब अपने शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तो अपन डेड हो जाएंगे। उसी तरह इस देश में अगर ये संविधान जिंदा रहेगा तो हम सब लोग, जितने भी पिछड़े सब लोग जिंदे रहेंगे। इसलिए हमको संविधान का संवर्धन करना है, संविधान को बचाना है, संविधान की इज्जत करना है और पूरे देशवासियों को एक इकट्ठा ला के, जैसे बाबा साहब ने इस संविधान के जरिए पूरे भारतवर्षों के एक धागे में ये किया है, गुफा है, बांधा है, और पूरे भारतवर्ष के लोग अपने दिल से अच्छे रहते और कुछ इस संविधान के वजह से कोई किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता है। अगर ये संविधान को कुछ आँच लग जाए तो पूरे भारतवर्ष में इसका आकार हो जाएगा, आतंकवाद बढ़ेगा और पेशवाई बढ़ेगी। इसमें पेशवाई बढ़ने का बहुत चांसेस है और पेशवाई ये कर रही है। दर्शकों जोरदार ताली हो जाए। भारत की शान है, भारत की जान है भीमजी, तुम्हारा संविधान है। यह भारत का संविधान इस देश का एक प्रकार की जान है। अगर यही जान खतरे में है तो दर्शकों हमें किस प्रकार का जागरूक होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग अपने विचार हमारे साथ रखते हैं, रूबरू होते हैं चैनल के साथ, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। सर जय भीम। जय भीम। सर क्या कहो? माझा नाव भगवान शंकर गवई। ह्या संविधानानं समता स्वतंत्र आणि बंधुता दिलेली आहे। माझा सर्व प्रत्येक व्यक्तीला विचारायचं आहे की त्यांनी आपल्या स्वतःच्या मनाला विचारा की मला संविधानानं काय दिलेलं नाही, काय दिलेलं नाही, आणि जे दिलं त्या संविधानाच्या प्रत्येक घटनेतून प्रत्येक कार्यक्रमातूनच आपण आज आपला स्वतःचा समाजाचा विकास करत आहे, देशाचा विकास करत आहे, आणि समाजाप्रती प्रत्येक बांधवानं आपली बांधिलकी ठेवली पाहिजे आणि भगवंताच्या पुढे आणि बाबासाहेबाच्या पुढे दररोज नतमस्तक होऊन आपल्या धम्माचा प्रसार केला पाहिजे। आणि धम्माचा प्रसार म्हणजेच बाबासाहेब बुद्धाचा प्रसार, आणि बाबासाहेबाने पहिलं फक्त बाबासाहेबाने फक्त बुद्धालाच मानलेलं आहे आणि बुद्धाच्या बाबासाहेबानं बुद्धाच्या रूपानंच तुमच्या संविधानाची निर्मिती केलेली आहे, एवढंच मला सांगायचं आहे। जोरदार ताल्या हो जाए। दर्शकों बुद्ध का विचार इस प्रकार हमें सीख देता है, जानेंगे क्या है। जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र किशन ससन है। मैं इस गांव का रहवासी हूँ। क्या कहोगे संविधान के बारे में? संविधान के बारे में तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। कहो फिर। कि भाई एक ही पॉइंट पे बोलूंगा, आप सभी लोगों ने बोला है मानना चाहिए, करना चाहिए, वो चाहे। अगर इस पिछले सप्ताह में जो घटना हुई कि बाबा साहब संविधान कुछ लोगों ने जला है, इसका मतलब उनको मान्य नहीं है, वो बदलना चाहते हैं और फिर से हमारे यहाँ मनुस्मृति लाना चाहते हैं, हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। तो मैं इस माध्यम से आपके टीवी माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर संविधान हमको बचाना है तो क्या करना है। मैं आपको सवाल करता हूँ, आप मुझे सवाल कीजिए। संविधान जला है, हम रोते बैठे हैं, लाठी काटे लेके मोर्चा लेके आए, धरना किया है, इससे ये लोग दबने वाले नहीं या मानने वाले नहीं है। इसके लिए हमारी पॉलिटिकल पावर्स, आज भाजपा के साथ क्या किसी पार्टी के साथ जितना संसद सदस्य है, इसलिए वो संविधान पारित बदलने का बिल संसद में लाके वो बहुमत से पारित कर सकते हैं। अगर हमारे पास विरोध करने के लिए भी 5 लोग नहीं है, अभी अभी आपने नाम लिया है, किसी नेता का नाम लिया है, हमें भी बहुत आदर है उनसे, लेकिन उनके कितने खासदार वहाँ है, तो हम विरोध कैसा करें? दर्शकों इस प्रकार के दर्शक कुछ सवाल खड़े करते हैं। बाबा साहब ने पहले से हमें बताया कि हमें यह संविधान अगर बदलना है या बताना है या बचाना है,
या कुछ भी हम कर सकते, क्योंकि हम लोकशाही का ये जो राज है इसमें रहते हैं और हमें सबको फंडामेंटल राइट्स मिले, हर एक को फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक हमें बोलने का, चलने का, लिखान करने का ये पूरे अधिकार मिलते हैं, मोर्चे करने का, आंदोलन करने का, कोई भी अपने विचार यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं, ये बाबा साहब ने संविधान के जरिए हमें दिया है। लेकिन बाबा साहब ने पहले बताया कि हमें अगर संविधान बचाना है तो हमें शासनकर्ती जमात बनना होगा, वो गांव से लेकर दिल्ली तक बनना होगा, और इसीलिए हमारे समाज को संगठित एकजुट होना बहुत जरूरी है। और हर संसद में, हर विधानसभा या विधान परिषद में हमारे चाहने वाले, हमारे विचारों के अपने लोग यहां पर चुनकर जाना चाहिए, जो कि वहां की जो पॉलिसी बनती है वो पॉलिसी में यहाँ पे हिस्सा ले सके और पॉलिसी में अपना उत्तरदायित्व निभा सके, बाबा साहब के विचार वहां पे प्रसार करने के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ शासनकर्ती यानी कि प्रशासनकर्ती जमात पर बनना है और यही राय हमें संविधान बचाने के लिए बहुत काफी है। तो चलते हैं दर्शकों, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपनी मन की बात, दिल की बात, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। उज्ज्वला संपत ससाने, मी या गावची सरपंच आहे। मी जशी बातमी ऐकली आहे बिन लोकमतलं ह्या भारताच्या संविधानाबद्दल, तर मी त्यावेळेस जेवत होते, ज्यावेळेस ते जाळून हे करण्याची हे झाली त्यावेळेस मला एकदम धक्का बसला आणि मला असं वाटत होतं की ह्या पुढच्या पिढीचं कसं होणार, काय होणार, अजून पण माझ्या मनामध्ये खंत होती आणि मी ते जेवण बंद करून मला एकदम धक्का बसून मला ते एकदम वाईट वाटलं आणि अजून पुढे ते मला सारखं मनाला टोचतं। काय नाव आहे आपलं? माझं नाव उज्ज्वला संपत ससाने, मी या गावची सरपंच। दर्शको, अभी आपसे जो रूबरू हो रहे थे यह है गांव के मुखिया इस उज्ज्वला संपत ससाने, जो कि इस गांव के मुखिया है, सरपंच है। लेकिन आपको पता होगा पिछले हफ्ते में दिल्ली के जंतर मंतर पे कई मनुवादी लोगों ने यहाँ पर बाबा साहब के संविधान की एक प्रत को जलाया था। हो सकता है कि ये लोग बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, ये नहीं चाहते बाबा साहब का संविधान यहाँ पे, या संसद का राज या लोकशाही का ये जो मार्ग है बाबा साहब ने हमें दिया है ये नहीं चाहते, ये मनुवादी लोग होते हैं। लेकिन इन मनुवादी लोगों को हटाने के लिए हमारे पास संघर्ष करना और संगठित रहना और इस राज्य क्रांति में हमें सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। जानते हैं क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में। जय भीम, काय नाव तुमचं? माझं नाव पंचे फुला। प्रथम मी लाडबुद्ध चॅनलचं अभिनंदन करतो। दुसरी गोष्ट, संविधानबद्दल मी याच गावाचा, याच्याही पूर्वी संविधान असल्यामुळंच मी सरपंच, माझी सरपंच आहे। 1984 मध्ये ते 92 पर्यंत असलेलो मी माझी सरपंच या गावातला। बाबासाहेबांच्या संविधानमुळंच आज या ठिकाणी ताटमान करून मी जीवन जगत आहे व माझे मुलं परिवार सुद्धा सुखी आहे। धन्यवाद दर्शको। लोग जुड़ना चाहते हैं, कहते हैं संविधान के बारे में। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी जो गाने के माध्यम से बाबा साहब के गीत हमारे पास रखते हैं, कहते हैं, अरे खोड़ता इतना ही, अरे खोड़ता इतना ही, कुन्या ही पेना न असली हुन ठेवलंय माझा अभिमान, पेना नि कागद हाती घेऊन लिहित होते देशाचं संविधान, केला कायदा झाला फायदा घटना लिहुनी, प्रकाश पडला त्या घटनेचा सूर चंद्रावानी, बोलत होते मायभूमीच्या साक्षीन लिहित होते देशाचं संविधान, शिक्षण घेऊन लंडन जाऊन झाले बॅरिस्टर, एकच नेता भाग्य विधाता ठरला आंबेडकर। जोरदार तालियां। दर्शको, ये नन्हे मुन्ने से कलाकार अपने मधुर आवाज में बाबा साहब के संविधान के बारे में इसका महत्व बताना चाहती है। बहुत लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं संविधान के बारे में, क्योंकि ये कार्यक्रम का नाम है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार तहे दिल से स्वागत। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण।
इस वक्त हम फिलहाल है महाराष्ट्र बुलढाणा जिले का सिंदखेड़ राजा तहसील का, यह है केशव शिवनी नामक गांव और यह है नालंदा बुद्ध विहार। इस नालंदा बुद्ध विहार में बहुत सारे लोग हमारे साथ रूबरू होना चाहते हैं, कहना चाहते हैं अपनी दिल की मन की बात, क्या है भारत का संविधान, क्या मिला हमें भारत के संविधान से। ऐसे बहुत सारे सवाल लेकर हम जा रहे लोगों से पास और आपको उनसे रूबरू करा रहे। काका जी, जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? अभिमान राम भाऊ ससानी। अच्छा अभिमान सर, क्या कहोगे संविधान के बारे में? हे संविधान जर नसत तर आज आपले लोक नोकऱ्या लागले नसते। संविधानामुळे बरेच लोक आज मोठमोठ्या, माझा स्वतःचा मुलगा आज MBBS डॉक्टर आहे। क्या बात, जोरदार तालिया हो जाए। डॉक्टर असून या संविधानामुळे जे मनुवादी लोक टपलेले आहेत, जसं दिव्यामध्ये तेल असतं आणि तेल कमी पडलं तर आम्ही आमचं रक्त त्यामध्ये टाकू, पण संविधानाला या मनुवाद्याला हात लावू देणार नाही। असे माझे एक आणि एकीकरण ठेवणं, समाजानं एकूण एकाशी एकीकरण ठेवणं, संविधानामुळं आपण आज जीवन जगत आहोत स्वाभिमानानं, स्वाभिमान ताट मानेनं। नाही तर आपल्या काय हल्लती होत्या, आपल्या पाठीला गळ्यात गाडगं, पाठीला खरडा, अशा बरेच कुत्र्याचं जीवन चांगलं होतं पण आपल्या समाजाचं जीवन चांगलं नव्हतं। या घटनेच्या तरतूदमुळे यामधून हजारो वर्ष आपले असेच गेलेत, तेव्हा या लोकांना काहीच वाटलं नाही आणि आता नेमके कुठंतरी नोकरी लागले, काहीतरी चांगले राहायला लागले, बंगले गाडी, तर या लोकांच्या मनात दुखून हे मनुवादी ही घटना नापीत करायला लागले। नापीत करत असताना जर जसं दिव्यामध्ये तेल कमी जर पडलं तर आम्ही त्यामध्ये रक्त टाकू, पण दिवा विझू देणार नाही, घटनेला या लोकांना हात लावू देणार नाही। दर्शको, इसी प्रकार हमें यह संविधान बचाना होगा। बाबा साहब का यह संविधान हमें कायम रखने के लिए हमारा अगर खून बहने का भी काम पड़े तो भी हम आगे आएंगे, ये स्पिरिट हमारे हर एक के दिल में होना चाहिए। घटनेमुळे चांगले वाटते, बाबा साहेबाच्या घटनेमुळे चांगला माझा मुलगा MBBS झाला, चांगला शिकून, गरिबीत शिकून चांगला हे लागला। दर्शकों, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, कहते हैं अपने दिल की बात, क्या है भारत का संविधान। गीतों के माध्यम से भी लोग संविधान के बारे में हमें बोलना चाहते हैं, कहते हैं क्या है संविधान। विमान माझ्या घटना लेली म्हणून बोलतोय हो, विमान माझ्या घटना लेली म्हणून बोलतोय हो, असलीणार नाही कोणी नास जमणार नाही हो, असलीणार नाही कोणी नास जमणार नाही हो। नेहरू गांधीला भांडला, नेहरू गांधीला भांडला, काळा जिवंत कोंडला, काळा जिवंत कोंडला, निळा झेंडा रवला आता ढगणार नाही हो, निळा झेंडा रवला आता ढगणार नाही हो, असलीणार नाही कोणी नास जमणार नाही हो, असलीणार नाही कोणी नास जमणार नाही हो। जोरदार तालियां हो जाए। बाबा साहब के संविधान के बारे में अपने लोग दिल की मन की बात गीतों के माध्यम से बोलते हैं, क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में। मी धनश्री देवाना वाघमारे, जे माझ्या बापानी संविधान लिहून ठेवले ते शाळेमध्ये अनेक लोकांना म्हणतोय, प्रतिज्ञा झाली की संविधान म्हणतोय। संविधानामुळे अनेक लोक नोकरी लागलेत, काहींच्या घरी बंगले सुद्धा आहेत, त्यासाठी लोक संविधान मागच्या बातमीत संविधान जाळत होते, असं धक्का बसल्याचं वाटलं होतं। माझ्या भीमानी 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस लागले तरी संविधान लिहिलंय, एवढेच बोलणं चाललं। धन्यवाद। ये छोटी छोटी लड़कियां भी समाज की और ये देश की बाबा साहब के इस संविधान के प्रति कितना आदर रखती है, क्या कहते हैं लोग। 10, 20, 50, 100, 500 नोटीत, 10, 20, 50, 100, 500 नोटीत, भीमराव माझा रुपया बंदा अहेर कोटी कोटीत, भीमराव माझा रुपया बंदा अहेर कोटी कोटीत, माझा भीमराव दिल्लीत बोले असं दिल्लीचं शासन हाले, असे कार्य भीमानं केले सारं दिल्लीचं शासन हाले, गाडीत भीम माडीत भीम खेळोपाडी झोपडीत, भीमराव माझा रुपया बांधा आहेर कोटी कोटीत। जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है। ये बाबा साहब के बंदे गीतों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दर्शकों, ये कार्यक्रम है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। इस भारत वर्ष के हर गांव में, हर कस्बे में हर एक आदमी हमारे साथ जुड़ना चाहता है और कहना चाहता है अपने मन की बात। अगर आप भी अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने इलाके में इसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हो तो मैं मुख्य एंकर
प्राध्यापक गजेंद्र गवई, मुझे आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो या संपर्क कर सकते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान।